अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू टेस्टी किचन पॉइंट। दोस्तों आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं मटन वाइट पुलाव। आज हम यूपी का फेमस पुलाव बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यमी बनता है और काफ़ी कम इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डाले जाते हैं, इसके बावजूद ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो दोस्तों आप इस रेसिपी को करें ज़रूर से ट्राई और उसके बाद मुझे आप अपने फीडबैक के ज़रिए बताएं कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो दोस्तों इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 kg मटन मीट। इसके अंदर मैंने मटन का फैट भी लिया है, काफ़ी क्वांटिटी में लिया है क्योंकि ये पुलाव थोड़ा ऑयली बनाया जाता है तो ये फैट हमारा काम भी आ जाएगा। साथ में हमें इसमें एक्स्ट्रा से ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो बहुत अच्छा ये फ्लेवर भी देगा। मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तो सबसे पहले हम अपने मटन का स्टॉक तैयार करेंगे। तो इसको हम एक कुकर के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। अब हम इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो इसके अंदर डाल देंगे एक मीडियम साइज की प्याज जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है, 2 लहसुन की गांठें डालेंगे, 3 से 4 तेज पत्ता ऐड कर देंगे वॉश करने के बाद, और यहाँ पर मैंने 5-6 ली हैं हरी मिर्चें ये भी ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून लिया है सौंफ और 1 टीस्पून धनिया लिया है ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। हम इसकी पोटली बनाकर नहीं डालेंगे क्योंकि जो यूपी का पुलाव होता है उसके अंदर सौंफ धनिया डाला जाता है, पुलाव के अंदर भी, सिर्फ स्टॉक में ही नहीं पुलाव के अंदर भी डाला जाता है, इसलिए हमने इसे ऐसे ही ऐड कर दिया है। बाकी थोड़े से हम इसमें गर्म मसाले डालेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर 1-2 छोटे छोटे फूल लिए हैं जावित्री के, 4-5 लौंगे हैं, 1/2 टीस्पून काली मिर्चें हैं, 2 छोटे छोटे पीस लिए हैं जायफल के, और यहाँ पर मैंने आप देख सकते हैं 2-3 पीस हमारे पास हैं दालचीनी के, और 1 हमने बड़ी काली इलायची ली है, और यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून भरकर लिया है नमक। नमक हमेशा स्टॉक में आप ज़्यादा ऐड कीजिएगा क्योंकि बोटियों के अंदर बहुत अच्छा सा नमक का फ्लेवर आ जाना चाहिए। अब हम इसमें 2 कप पानी ऐड कर देंगे, और ये रहा 2 कप। बस अब हम इसकी लिड लगा देंगे और इसको कवर करके हम हाई फ्लेम पर रख देंगे। हाई फ्लेम पे 1 प्रेशर आ जाने के बाद फ्लेम को मीडियम कर देंगे, उसमें तकरीबन 5 विसिल लगा लेंगे। दोस्तों मटन का स्टॉक बनाने के लिए मैंने गैस के ऊपर रख दिया है। यहाँ पर हम आपको बाकी के इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं जो कि इस पुलाव के अंदर डाले जाएंगे। मैंने यहाँ पर लिया है 1 kg बासमती राइस, कच्चा चावल मैंने लिया है जिसको आधे घंटे पहले अच्छे से वॉश करके मैंने सोक कर दिया था, और ये पुलाव ज़्यादातर कच्चे चावल में ही बनाया जाता है, बट अगर आपको पक्के चावल पसंद हैं तो आप इसे उसमें भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 किलो चावल ले रही हूँ और इसके अंदर 1.5 किलो गोश्त डाल रही हूँ क्योंकि मटन पकने के बाद काफ़ी श्रिंक हो जाता है। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है जिसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है, इसके अंदर ये ऐड नहीं किया जाता है बट मुझे पसंद है तो मैं यहाँ ज़रूर ऐड करूँगी, बट बिल्कुल लास्ट में ऐड करूँगी ताकि ये दिखता हुआ नज़र आए। मैंने 1 इंच का अदरक का पीस लिया है जिसको जूलियन कट कर लिया है, और ये पुलाव थोड़ा सा तीखा बनाया जाता है तो 15 से 20 मैंने हरी मिर्चें ली हैं और मैंने इनको कट नहीं किया है, सिर्फ ऊपर का पार्ट मैंने इसका हटाया है, डंठल हटाया है, बाकी ये साबुत ऐसे ही मैंने वॉश करके रख ली हैं। 1/2 टेबल स्पून हमने नमक लिया है, नमक एहतियातन यूज़ करेंगे क्योंकि हम स्टॉक के अंदर भी ऐड कर चुके हैं। 1 बड़े साइज़ की प्याज ली है जिसको मैंने बारीक स्लाइसेस में कट किया है, थोड़ी सी प्याज हम पुलाव के अंदर डालेंगे, बाकी हम ब्राउन अनियन गार्निशिंग में इस्तेमाल करेंगे। 1 टेबल स्पून जीरा लिया है, 5 से 6 ली है लौंगे, 5 हमने हरी इलायची ली है, और यहाँ पर हमने 1 टीस्पून काली मिर्ची ली है। बाकी साबुत गर्म मसाले हम स्टॉक के अंदर ऐड कर चुके हैं तो हमें ज़रूरत नहीं है उस ज़्यादा गर्म मसालों की। 1.5 टेबल स्पून जिंजर और गार्लिक पेस्ट लिया है, और हमने यहाँ पर तकरीबन 150 ग्राम दही लिया है। तो मटन स्टॉक हमारा तैयार है, मटन हमारा अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। ये देखिए बोटी कितनी आसानी से टूट रही है। तो इसे मटन को हम एक बॉल के अंदर निकाल लेंगे और बाकी जितना भी सामान है उसे हम ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि इसे हम ऐसे ही ऐड करेंगे पुलाव के अंदर। ये लहसुन की गांठें हटा लेंगे और हरी मिर्चें इसमें से निकाल लेंगे, बाकी स्टॉक हम ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक वैसे ले लिया है, इसके अंदर हम तकरीबन 200 ग्राम के करीब डालडा घी ऐड कर देंगे क्योंकि ये पुलाव डालडा घी में ही बनाया जाता है। अगर आपको ऑयल पसंद है, घी वगैरह आप नहीं खाते हैं तो आप इसे ऑयल में बना सकते हैं। इसको अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है, सबसे पहले हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे। हमने इसमें घी की क्वांटिटी 1/2 रखी है क्योंकि हमने जो मटन लिया था उसके अंदर काफ़ी क्वांटिटी में हमने फैट लिया है। अगर आप इसे बीफ या चिकन में बना रहे हैं तो आपको तकरीबन 400 ग्राम घी इसके अंदर डालना होगा। प्याज को हम चलाते हुए अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे गोल्डन होने तक। ये देखिए व्यूअर्स, प्याज हमारी गोल्डन फ्राई हो चुकी है, तो अपनी प्याज को हम बाहर निकाल लेंगे। वैसे उसको हल्का सा टेढ़ा करके सारी प्याज बाहर निकाल लेंगे। अब हम बचे हुए घी में सारे गरम मसाले ऐड कर देंगे साबुत, हल्का सा इनको सॉटे हो जाने देंगे।
अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपना मटन, मटन को हाई फ्लेम पे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। मटन को 1 मिनट अच्छे से भूनने के बाद हम इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर देंगे ताकि ये भी मटन के साथ अच्छी तरह से भून जाए। अच्छे से भून गया है मटन हमारा। अब हम इसके अंदर हरी मिर्चें, अदरक और नमक ऐड कर देंगे। टमाटर इसके अंदर अभी ऐड नहीं करेंगे, उसे हम लास्ट में ऐड करेंगे। और साथ में डाल देंगे इसके अंदर दही और तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको भी अच्छे से भून लेंगे। यहीं पर हम इसमें थोड़ी सी प्याज भी ऐड कर लेंगे, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी डालनी है, 1/3 हिस्सा। अब हम मिक्स करते हुए अच्छे से भूनेंगे जब तक दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता, बहुत अच्छे से भुनाई नहीं हो जाती हमारी यखनी की। अब आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से भुन चुकी है यखनी हमारी, घी पूरी तरीके से अलग हो चुका है, अच्छे से लिपट गया है सारा सामान मटन के ऊपर। हम इसके अंदर मटन का स्टॉक ऐड कर देंगे। इसे हमने सौंफ धनिया के साथ ही ऐड किया है, कुछ भी निकाला नहीं है, हरी मिर्च और लहसुन की गांठों के अलावा। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, तो पानी इसमें इतना ही ऐड करना है जितने हमारे चावल हैं उससे हल्का सा ही ऊपर रहना चाहिए पानी, हमारी फिंगर की एक टिप उसमें डिप हो जाए बस इतना ही ऊपर रहना चाहिए। तो मैंने अभी इसमें फिलहाल 1 बॉल के करीब ऐड कर दिया है अंदाजतन, अगर मुझे पानी कम लगा तो और ऐड कर दूंगी। यहीं पर हम इसके अंदर टमाटर स्लाइसेस भी ऐड कर देंगे और इसमें बॉयल आ जाने तक का वेट करेंगे। आप देख सकते हैं व्यूवर्स पानी के अंदर उबाल आने लगा है। अब हम इसके अंदर 1 से 2 ड्रॉप केवड़ा एसेंस ऐड कर देंगे, इसकी बहुत थोड़ी सी ही बूंदें डाली जाती हैं क्योंकि ये बहुत तेज़ होता है। यहीं पर ऐड करने से इसका पूरा फ्लेवर हमारे पुलाव के अंदर आ जाएगा। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चावल भी, चावलों को हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं पानी की कमी लग रही है चावलों में क्योंकि चावल हमारे ऐसे ही नजर आ रहे हैं, ये डिप नहीं हुए हैं अभी। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, पानी इतना रखना है कि चावल से 1 टिप के करीब फिंगर के ऊपर रहना चाहिए पानी। ये देखिए अब हमारा पानी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको ऐसे समझ में ना आए तो आप जितने चावल हैं उसका 1.5 गुना पानी इसके अंदर ऐड कर दीजिए। यहाँ पर आप नमक टेस्ट कर लीजिए क्योंकि नमक पानी में बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो नमक हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसको कवर कर देंगे और हाई फ्लेम पे तकरीबन 5 से 6 मिनट कुक करेंगे। तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं हमारे पुलाव को हाई फ्लेम पर पकते हुए और अब आप देख सकते हैं पुलाव के अंदर पानी नहीं बचा है। ये देखिए पुलाव में अब पानी नहीं है, इसे हमने बिल्कुल भी छेड़ा नहीं है क्योंकि कच्चे चावलों को छेड़ते नहीं हैं वरना वो टूट जाते हैं। फ्लेम को अब हम बिल्कुल स्लो कर देंगे, इसके ऊपर डाल देंगे ब्राउन की हुई अनियन और 2 टेबलस्पून इसके ऊपर डाल देंगे हम देसी प्योर घी, इस तरह से चारों तरफ फैलाते हुए कपड़े से कवर कर देंगे, किसी भी कॉटन क्लॉथ से आप इसको कवर कर दीजिए, इसकी लिड लगा दीजिए। अब हम इसको दम पर पकाएंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट, जब तक चावल हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाते। तकरीबन 6 मिनट हो चुके हैं हमारे पुलाव को दम पर रखे हुए, ये देखिए कितनी बढ़िया सी स्टीम बन रही है इसमें। अब हम चेक कर लेते हैं चावलों को, देखिए अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं चावल हमारे, पुलाव हमारा पूरी तरह से तैयार है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अपने पुलाव को हम कर लेंगे सर्व। तो बहुत ही आराम से चम्मच को नीचे डालते हुए निकालेंगे। अब आप देख सकते हैं ये देखिए कितने बढ़िया माशाल्लाह चावल हमारे खिले हुए हैं, साथ में एक चावल किस कदर लंबा हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा मटन वाइट पुलाव बनकर तैयार हुआ है ये माशाल्लाह से। ये लीजिए दोस्तों हमारा यूपी का फेमस मटन वाइट पुलाव बनकर तैयार है, बहुत ही लाजवाब बहुत ही टेस्टी। आप इसको गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं इसकी स्पेशल चटनी के साथ। यूपी के फेमस पुलाव के साथ खाए जाने वाली चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है,
आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से नोट कर लें। तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को, किसी भी गेस्ट वगैरह के आने पर आप इसको बना सकते हैं, पार्टी स्पेशल में बना सकते हैं, या फिर फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए इसको बनाकर। ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को, ये बहुत ही पसंद आने वाली है आपको। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ताकि सभी लोग इसको इंजॉय कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। दुआओं में याद रखिएगा दोस्तों, मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई आसान और बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी के साथ। तब तक आप सभी रखें अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।